चीज का ध्यान रखना है। दोबारा देख लो इसको, हमें गिवन है ओ ए, बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी हमने निकालनी है। अब क्योंकि बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड थी वो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, हमने ये मान लिया कि वो उसको एम पॉइंट पे टच कर रही है। जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जब हम उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो दैट रेडियस जो फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो उसका टेंजेंट बन जाती है। तो इसका मतलब ओ एम जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ओ जो है सेंटर था, तो सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर एक कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी आ गया हमारे पास। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब आप राइट ट्राइंगल लेंगे ओ ए एम, इसमें मुझे ओ एम गिवन है 3 सेंटीमीटर, ओ ए गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो आई कैन इजिली फाइंड आउट ए एम। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए एम, ओ एम ए में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए मुझे गिवन है 5, ओ एम जो है दैट इज गिवन टू बी 3, ए एम आई हैव टू कैलकुलेट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 और 3 का ट्रिपलेट विल बी 4, तो ए एम आ जाएगा आपके पास 4। अब ए एम क्योंकि एम मिड पॉइंट था उसका, तो ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। एम मिड पॉइंट था ए बी का, तो हाफ ऑफ ए बी अगर मेरे पास 4 आया है तो ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो है ऑफ द बिगर सर्कल ऑफ द लार्जर सर्कल दैट इज 8 सेंटीमीटर। So if any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, we will do the next question now. Question number 8. Question number 8 जो है, that is a very important question. काफी बार ये board में आया हुआ है. If you see the previous year board question papers, तो you can see this question over there. और easy है, मुश्किल नहीं है ये question. क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज वाले में से, होमवर्क पार्ट में 6 यू नीड नॉट डू, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। हमें गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल यानी कि सर्कल इसके अंदर बनेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी कि ओपोजिट साइड्स का सम जो है हमें शो करना है दैट इज इक्वल। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हम ले लेंगे पी क्यू आर एस। तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो सर्कल विद सेंटर ओ इन साइड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, या टचिंग द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कहाँ पे टच कर रहे हैं, एट पी क्यू आर एंड एस टू प्रूव। अच्छा इसी में देखो, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी की जगह आपका ऐसे भी लिखा आ सकता है, प्रूव दैट द सम ऑफ द ओपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। तो ओपोजिट साइड्स में आपको पता है ए बी के ओपोजिट सी डी है और ए डी के ओपोजिट बी सी है,
तो ये डायरेक्ट इस तरीके से ना लिखा आके इस तरीके से भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, एंड थिंग्स जो है अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम कंसेप्ट लगाएंगे वो हमारा कंसेप्ट है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन। लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो है फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट वो सेम होती है। अब ये सर्कल है, ये सर्कल पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मुझे गिवन है। तो अगर ए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, वहां से जो लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। और एंड आई नो कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो सेम होती हैं। तो यहाँ से फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ए, एपी एंड एएस, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी। सेम वे में डी से डी आर एंड डी एस, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होंगी। सी से सी आर एंड सी क्यू, अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम। बी से बी पी एंड बी क्यू, अगेन दीज विल बी सेम। अब यहाँ पे जब आपने इनको लिखना है तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ इस तरीके से लिखना है, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगी तो ए एस और एस डी ये दोनों ऐड होके मुझे ए डी देंगे। तो जिस साइड पे मेरा ए डी है उस साइड पे मैं ए एस और एस डी लिखूंगी। सेम वे में जिस साइड पे मेरा बी सी है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ताकि आपको बाद में इंटरचेंज जो है वो ना करना पड़े। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए इज एन एक्सटीरियर पॉइंट या ए इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। देयरफॉर ए पी एंड ए एस आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल देयरफॉर ए पी जो है दैट इज इक्वल टू ए एस। यहाँ पे आप लिख देंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो ए पी जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए एस के। इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अब ए पी के साथ देखो, पॉइंट बी से ए पी के साथ मुझे पी बी को ऐड करना है। तो बी से जो हम लेंगे, ए पी मैंने कहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, तो पी बी भी मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होगा। सो सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, एंड ये मेरा ए बी दे देगा मुझे। अब डी आर इक्वल टू आर सी, और जो है आपकी थर्ड साइड रह गई बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। चेक इट आउट, ए एस और एस डी। तो मैंने यहाँ पे अब क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे डी आर इज इक्वल टू एस डी आएगा, और इधर से आर सी इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि जब मैं ऐड कर रही हूँ ए एस में एस डी ऐड होगा आपका, तो ए एस और एस डी आपके एक तरफ होने चाहिए। तो ये ए एस और एस डी एक तरफ हो गए, और इधर से जब हम ऐड करेंगे बी क्यू और क्यू सी तो वो सेम साइड पे होने चाहिए। इधर से आप ए बी और पी बी को ऐड करोगे, दे आर ऑन द सेम साइड। इधर से आप डी आर और आर सी को ऐड करोगे तो दे आर ऑन द सेम साइड। तो ये हमारे पास फोर इक्वेशंस आ गई। इन फोर इक्वेशंस को अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। एडिंग इक्वेशंस 1, 2, 3, 4। सो ए पी प्लस पी बी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। अब ए पी प्लस पी बी विल गिव यू ए बी, डी आर प्लस आर सी विल गिव यू डी सी, और यू कैन से सी डी ऑल्सो। दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही चीज आपने प्रूव करनी थी।
सो हेंस रूट. तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने कंसेप्ट लगाया कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल. लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल. फिगर आपको गिवन थी ए बी सी डी जो है, जब वो सर्कल आपको, क्योंकि वो सर्कमस्क्राइब कर रहा था क्वाड्रिलेटरल को, तो ए बी सी डी जो है दीज आर द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल. तो सर्कल को जब वो एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, तो दैट इज फॉर्मिंग अ टेंजेंट टू द सर्कल. तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वली कॉरेस्पॉन्डिंग, देन उनको सिंपली आपने ऐड किया. ऐड करने के लिए लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया है. ए बी के लिए ए पी और पी बी आपका सेम साइड पे होना चाहिए, डी सी के लिए डी आर और आर सी आपका सेम साइड पे होना चाहिए. अब डी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग डी एस, आर सी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी क्यू, एंड सेम वे में ए पी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए एस और पी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी क्यू. तो अकॉर्डिंगली आपने इनको इक्वेट कर दिया एंड देन ऐड किया, तो यू हैव गॉट योर रिजल्ट. इफ एनी डाउट इज देयर अप टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा हो नहीं पाएगा एज 2 मिनट्स आर लेफ्ट. अप टू दिस पॉइंट इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. कहीं पे कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है तो यू कैन आस्क. होमवर्क पार्ट में यू आर टू डू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8. 6 आपने नहीं, 6 आई थिंक मैंने दिया था आपको, फिर 7th रहने देना. इनमें से एक मैंने यहाँ डिस्कस किया है, 7th वन, वो रहने देना. क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 विल बी योर होमवर्क पार्ट्स. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली अ डे आफ्टर टुमारो योर दिस चैप्टर विल बी ओवर. यस अमृत, जस्ट अ मोमेंट, नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ वन बाय वन.